नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इंजन ज्ञान चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अभी एयर कूल्ड पीडीपीएल स्वराज इंजन में अभी नया क्या है उसकी जानकारी आपको देनी थी, और इस इंजन को लेने से आपको क्या बेनिफिट और फायदे होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, पीडीपीएल स्वराज का 14 एचपी का इंजन है, वो भी एयर कूल्ड, जिसकी काफी डिमांड है मार्केट में, क्योंकि एयर कूल्ड इंजन में मेंटेनेंस कम होता है। इस इंजन का जो मॉडल है वो है PB14, और इसका जो प्राइस होगा 90,000 के आसपास होगा, लेकिन कंफर्म नहीं हूँ, आप जाके डीलर से कंफर्म कर लीजिएगा। एयर कूल इंजन का डिमांड ज्यादातर सरकारी कंपनियों में होता है, और ये जो इंजन आप वीडियो में देख रहे हैं जिसकी प्री इंस्पेक्शन चल रही है, ये इंजन भी सरकारी विभाग में ही जाने वाला है, तो इसे रेडी किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको इस इंजन के बारे में बता दिया जाए कि इस इंजन में अभी क्या खास बात है। सबसे पहली बात कि एयर कूल्ड इंजन में आपको मेंटेनेंस कम करना पड़ता है, ज्यादा देख रेख नहीं करना पड़ता है वाटर कूल के मुकाबले, तो बहुत ही आसानी होती है इसके रखरखाव में। और इस वीडियो की बात करते हैं, तो ये जो इंजन आप देख रहे हैं इसकी तैयारी हो रही है डिलीवरी की, मतलब तैयार करके इसे रेडी करके सारी चीजें चेक करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद, लोड टेस्टिंग करने के बाद इसे साइट पे भेजा जाएगा। इस इंजन में खास बात यह है कि अभी कंपनी, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसके फ्लाईव्हील के ऊपर रिंग लगा हुआ है, तो अभी कंपनी फ्लाईव्हील रिंग गियर लगाकर सभी इंजन में भेज रही है एयर कूल्ड में। और 20 KVA 15 KVA का जो इंजन है उसमें ब्रैकेट भी लग के आ रहा है, और इस इंजन के चैनल में कुछ होल्स दिए गए हैं जहां पे आप सेल्फ फिट कर सकते हैं, तो आसानी से आप सेल्फ लगा सकते हैं एयर कूल्ड इंजन में। पहले किसी भी इंजन में फ्लाईव्हील रिंग गियर रखकर नहीं आता था, उसे या तो अलग से लगवाना पड़ता था या आपको सेल्फ स्टार्ट इंजन लेना पड़ता था, जो कि महंगा होता था। अगर आप हैंडल स्टार्ट इंजन में सेल्फ लगवाते भी थे बाद में, तो उसके लिए आपको फ्लाईव्हील रिंग गियर, ब्रैकेट, सेल्फ सब अलग से लगाना पड़ता था, तो जिसमें आपका खर्चा भी काफी आ जाता था। लेकिन अभी फ्लाईव्हील रिंग गियर लगा हुआ है, होल्स बने हुए हैं, बस आपको सेल्फ लगाना है और उसकी जो सेटिंग होती है स्टार्ट करने की वो लगाना है, और आपका इंजन सेल्फ स्टार्ट और हैंडल स्टार्ट दोनों बनकर तैयार हो जाता है, और आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। और एक बैटरी चाहिए होती है सेल्फ स्टार्टेड इंजन के लिए, तो आपको बैटरी लेनी होगी। और सेल्फ सिस्टम अभी 15 KVA और 20 KVA में भी लग के आ रहा है, तो आप वो भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी चीजें कंपनी से फिट होकर आ रही है, जिसके लिए आपको अलग से कोई चार्जेस नहीं देना है, तो आप फायदे में रहेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि इसकी जानकारी आपको दी जाए। तो चलिए इस इंजन के स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पीडीपीएल स्वराज इंजन मॉडल PB14, BHP 14, RPM 1500, क्लास ऑफ गवर्निंग B1, फ्यूल जो इसमें पड़ेगा वो पड़ेगा हाई स्पीड डीजल, लूबल का ग्रेड है 3040 मल्टीग्रेड, मैन्युफैक्चरिंग बाई प्रकाश डीजल प्राइवेट लिमिटेड, एयर कूल्ड है, सिंगल सिलेंडर है, लूबल इसमें 3 लीटर पड़ेगा, एक फ्यूल फिल्टर लगेगा, एक डीजल फिल्टर लगेगा, ऑल बाइट टाइप इसमें एयर फिल्टर लगा जिसमें 50 ग्राम लूबल लगेगा। AC ऑल्टरनेटर की बात कर लेते हैं, डायोड टाइप ऑल्टरनेटर है, KVA 10 है, फेस सिंगल है, वोल्टेज 230 मिलेगा, RPM 1500 है, मैन्युफैक्चरिंग बाई प्रकाश डीजल। तो चलिए इस इंजन को तैयार करते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं और साइट पे इसे भेजते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे देखते हैं। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी इस इंजन में हम लूब ऑयल डाल रहे हैं, जो कि 3 लीटर इसमें लूब ऑयल पड़ेगा, और जैसा कि आप टैपेट के पास देख रहे होंगे एक छोटा सा होल दिख रहा है, वो होल जो है वो है ब्रीदर। ब्रीदर से ही आपके इंजन का जो भी एक्स्ट्रा गैसेस होता है ब्रीदर के द्वारा ही निकलता है। बड़े इंजन में तो ब्रीदर के लिए अलग से एक पाइप निकली होती है, लेकिन ये हमारा छोटा इंजन है तो ब्रीदर हमारे टैपेट में ही है। और हमने लूबल डाल रहे हैं तो हम इसका डिपस्टिक पहले से ही निकाल कर बाहर रखा है, और लूबल डालने के बाद हम डिपस्टिक लगा देंगे। तो जब भी आप लूबल इंजन में डालते हैं तो डिपस्टिक पहले बाहर निकाल लें
और लूबल डालने के बाद डिपस्टिक से चेक करें उसे अच्छे से साफ़ करने के बाद। और एयर कूल्ड इंजन में लूबल थोड़ा धीरे धीरे जाता है, तो आप इसमें आराम आराम से लूबल डालें, हड़बड़ा के जल्दी डालेंगे तो बाहर गिर जाएगा। और वाटर कूल्ड इंजन में लूबल थोड़ा जल्दी चला जाता है। और ये इसका इंटेक और एग्जॉस्ट है जो कि आपके हेड में टैपेट के नीचे हेड में लगा हुआ है। नीचे आपका लाइनर फिन्स है क्योंकि ये एयर कूल्ड इंजन है। दूसरी साइड में और बॉस का पंप लगा हुआ है, पीडीपीएल का फिल्टर है क्योंकि ये पीडीपीएल का इंजन है। और दूसरी साइड में कॉलिंग लगी हुई है। तो अगर कॉलिंग की बात करते हैं, अगर कॉलिंग आपका सटता है फ्लाईव्हील के साथ में, अगर आप चलाते हैं और नॉइस आती है, तो फ्लाईव्हील और कॉलिंग में चार बोल्ट लगे हैं लेफ्ट और राइट, चारों बोल्ट को लूज़ कर लीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करके फिर से टाइट कर दीजिएगा तो नॉइस चला जाएगा। काफ़ी शानदार इंजन है। जैसा कि हम फ्लाईव्हील गियर की बात कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि फ्लाईव्हील गियर लग के आ रहा है कंपनी से, और हमने डिपस्टिक अभी निकाला है और अभी हम लूबल डालने के बाद डिपस्टिक लगा देंगे। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ से लूब ऑयल आपको ड्रेन करना है, और लूब ऑयल ढेल करने के बाद आप उसमें टैपलोन लगाकर लगा दें, प्रैक्टिस करें। टैपलोन लगाने से क्या होगा, कभी भी आपका लूब ऑयल कभी भी लीकेज नहीं करेगा। और हमने डिपस्टिक लगा दिया है और हम चेक करेंगे कि अभी लूब ऑयल का लेबल क्या है। लूब ऑयल जब भी आप चेक करें, ठंडे इंजन में चेक करें, गर्म इंजन में कभी भी लूब ऑयल ना चेक करें, क्योंकि आपका जो लूब डिपस्टिक का जो रीडिंग होगा वो सही नहीं बताएगा। आपको ठंडे इंजन में लूब ऑयल चेक करेंगे तो आपका वो सही मार्के पे बताएगा कि कितना लूब ऑयल है कितना नहीं है। और हमने फिर से डिपस्टिक टाइट कर दिया है। ये इसका कपलिंग है जहाँ पे हमने इसे फिट किया है, और फ्लाईव्हील में रिंग गियर लग के आ रहा है तो आपको अब किसी तरह की टेंशन है ही नहीं। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों साइड में लेफ्ट और राइट चार चार होल है, उसी पे वहीं पे आपका जो सेल्फ का जो ब्रैकेट होता है वही फिट होगा वहाँ पे, और नीचे फिट होगा क्योंकि जो एयर कूल्ड इंजन होता है उसके नीचे में ही सेल्फ लगता है, वहीं से वो स्टार्ट होता है। और पीडीपीएल इंजन में जैसा कि मैंने बताया कि पीडीपीएल का निशान होता है और पीडीपीएल का भी स्टिकर लग के आ रहा है, तो आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। और बहुत ही शानदार इंजन है, बहुत अच्छा डिमांड है। अभी सीज़न चल रहा है शादियों का, तो काफ़ी सेल है इस इंजन की और लोग एयर कूल्ड इंजन को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे कस्टमर से मेरी बात हुई तो वो जो दूर दराज गांव वगैरह में ज़्यादा रहते हैं, जो साउंड का धंधा करते हैं, उन्हें एयर कूल्ड इंजन ज़्यादा पसंद है। वो एयर कूल्ड इंजन चाहे वो 7.5 KV का हो, 10 KV का हो, वो ज़्यादा लेके जाना चाहते हैं क्योंकि इसमें मेंटेनेंस का कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी तरह की कोई परेशानी है, रेडिएटर नहीं लगा हुआ है, पानी नहीं डालना है, बस लूबल डालना है और चलाना है, 80% लोड डालिए और मस्त चलेगा। पहले तो ये रिंग लग के नहीं आता था, अभी मैं देख रहा हूँ कि जितना भी इंजन कंपनी भेज रही है सब में रिंग लग के आ रहा है, तो अभी आप ये इंजन लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और पीडीपीएल का निशान आपके जो टायर होता है उस पर भी होता है, और ये इसका आउटगोइंग का जो हमारा मतलब इंजन स्टार्ट करेंगे, ये हमारा इनकमिंग हो गया, ऊपर सॉकेट से आउटगोइंग लेंगे, और ये हमारा सप्लाई का जो बल्ब है वो है। तो पीडीपीएल स्वराज का इंजन तो आप सभी जानते ही हैं कि दमदार होता ही है, और सबसे ज़्यादा लोग अभी इस इंजन को पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसका प्राइस बजट में है, इसकी जो क्वालिटी बहुत दमदार है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी दमदार है, इसकी वजह से इसका काफ़ी डिमांड है। अभी इसमें हम एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जैसे कि साइलेंसर और ईयर फिल्टर अभी फिट करेंगे और डीजल डालेंगे, उसके बाद इसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एयर फिल्टर और डीजल डाल के इसे स्टार्ट करते हैं और इसकी लोड टेस्टिंग करते हैं। तो आइए चलते हैं।